गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस आज हम कॉलेज जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? तो आज हमारा मतलब सेकंड सेमेस्टर का पहला दिन है और आज हम आपको अपने NIU का पूरा टूर देंगे। अभी टाइम ये कुछ 9:17-18 हो रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं अपनी वैन लेने, फिर आपको मिलते हैं। जूते पहन कर आया, और ये जिस दिन जूते नए पहन कर आता है ना, उस दिन बारिश हो जाती है। गाइस पता नहीं क्या उस दिन कीचड़ों में मरता है ये आके। गाइस हम बैठ गए हैं, रात हो रही है, रात नहीं दिन हुआ है, मतलब हम इको में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने कॉलेज। तो दोस्तों हम आ चुके हैं NIU और इको और वैन में तो हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम कुछ रिकॉर्ड करें, क्योंकि हम पूरे रास्ते सोते हुए आते हैं, क्योंकि 2 घंटे का रास्ता है। और अभी हम देखेंगे NIU के सामने है हम, तो अभी हम जा रहे हैं अंदर। ये है हमारा NIU कॉलेज। तुम्हारी आज बहुत कम बच्चे हैं लग रहा है, क्योंकि आज हमारा सेकंड सेमेस्टर का पहला दिन है। ये हमारा कॉलेज है और ये हमारी सासू माँ बैठी है, खड़ी हुई है आज। तो ये ओ भाई यूपी से पड़दान, ये एंट्री है भाई। आई कार्ड देखो, ये हमारा NIU का डॉन, सस्ता डॉन जा रहा है, मत बोला भाई। ये देखो, ये जा के कर्मचारी है। ढाई करोड़ बंदे आपको देख रहे हैं। तो ये है हमारा कॉलेज, ये सामने है हमारा एडमिशन सेल और इसके ऊपर ही हमारी लाइब्रेरी, और ये है नेम्स पीछे, और ये है न्यूटन ब्लॉक के बैक साइड, इसी में हमारी क्लासेस लगती हैं। तो अभी हम चलते हैं भाई। एक तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं यहाँ चलते चलते। फ़ोन करना किसको? एक सेकेंड, काम ही चलता रहता है। ये देखो यहाँ पे काम चल रहा है कुछ दोबारा, जो कि कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हो सकता। गाड़ी ऑप्शन क्यों देख रही है? ये है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, इसके अंदर हमारा सेमिनार हॉल भी है, और हम यहाँ पे कुछ इवेंट होते हैं मतलब छोटे मोटे, उसमें हमें यहाँ पे बुलाया जाता है, जिसमें हम जाते नहीं है बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं है देखने लायक। हॉल इतना छोटा है, कुछ भी नहीं है देखने लायक। वो पीछे है हॉस्टल सुपरटेक का, और ये बीच में जो है ये इतना बड़ा अकेडमी ब्लॉक। कॉलेज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो हम लोग एक दिन में पूरा नहीं घुमा, मतलब दिखाएंगे भी ना। हाँ तो वो तो कह रहा हूँ दिमाग चाटना पड़ेगा आप लोगों को, दिमाग चट जाएगा कि यार हम पूरा पूरा दिखा दिया हमने। क्या कर रहे हैं तेरे पास आए हैं वो लोग, तू उनके पास गया है। ये है हमारी चार्ल्स लाइब्रेरी, हरे वाले में सूखा डालते हैं, हाँ गीले वाले में इसको डालते हैं, ये वहीं से निकल के आए हैं। तो अभी हम यहाँ बैठ गए आके, क्योंकि हमारे पास कुछ काम नहीं है और ये थक गया बहुत ज़्यादा 2 घंटा ट्रैवल करने के बाद। और क्या ही बताएं, क्लास चल रही है बट हम उसमें जा नहीं सकते, बीच क्लास में जाने की बेइज्जती इतनी होती है ना। मतलब क्लास चल रही हो और हम उसके बीच में जाएं, मतलब कभी ना जाऊं, घर चला जाऊं पर क्लास में कभी ना जाऊं, क्यों है ना, क्या कहना चाहेंगे। चांद दिख रहा है यहाँ पे, कुछ भी मतलब अबे आए तो मत मान, चांद दिन में तो गाइस हमें मतलब क्लास से बुलावा आ चुका है कि हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी है 10:25 की, तो अब हम जा रहे हैं अपनी क्लास में।
क्लास में और हमारी मैडम सामने खड़ी हुई है, बट हम फिर भी ब्लॉगिंग करेंगे, हमें बहुत दम है हमारे में। पता नहीं क्यों फोटो क्लिक कर रहे हैं हमारी अटेंडेंस से पहले। ये है आकर्षित बिहारू, जो आपको गौरव के ब्लॉग में दिखाओ। हाय हाय हाय, बस हम बैठे हैं, मैडम भी नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है, सब कुछ नया है। हमारे दोस्त हैं अभिषेक राज और वो अंशुल। हाँ ये मैडम ये सी आर है। सस्ता व्लॉग गाइस, हमारी क्लास है और सामने मैडम खड़ी हुई है। अगर मैंने देख लिया तो मैं सीधा सस्पेंडेड हूँ, बट फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट। ये हमारे कॉलेज के बाहर सामने हाईवे है, यमुना एक्सप्रेस ट्रक जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। कहाँ से निकाल रहे हैं, पहले दिन आते हैं पूरा कॉलेज तोड़ फोड़ देते हैं, कुछ काम नहीं है इन लोगों को। अंशुल कह रही है मेरा गिफ्ट, अंशुल गिफ्ट हम आज भी नहीं लेकर आए। गाइस पहली क्लास है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है एनवायरमेंटल स्टडीज। 2000 years later. हम लोग को कैमरा ऑन नहीं हुआ था और हम बोले जा रहे थे आधे घंटे से। देखो बालाजी को छोड़, एनवायरमेंटल स्टडीज की क्लास थी हमारी, मैंने ये पढ़ाई की है और ये यहाँ बैठ के ये कर रहा है, ये बना रहा है बैठ के। ये देखो गुमशुदा, एक सेकंड फोकस गुमशुदा, और ये दीप्ति कलोड़न, ये कलोड़ी है गाइस। इस कलोड़न की वजह से ही जब हम ये बना रहे थे तो मैडम ने मुझे इतनी दूर बिठा दिया था ना, इतनी दूर। अब मैं दोबारा वापस आ गया हूँ इन लोगों के पास, चिरकुट लोगों के पास। क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है? मैडम आ गई, मैडम आ गई। दूसरी क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है, क्यों करूँ फिर से स्टार्ट, मैं तो यही डालूंगा, कह रहा है फिर से स्टार्ट करना। अभी हम यहाँ पर हैं, ये देखो ये छोटा सीट है, क्यों करूँ फिर से स्टार्ट मैं। अरे बीच में तू स्टार्टिंग में ही रुक गया था तू। हाँ पूरा सीरियस हो के गाइस, हम आपको एक चीज दिखाते हैं, ये देखो हमारी सालों की मेहनत, ये देखो ये भाई कट्टे भर भर के फेंक रहे हैं हमारी असाइनमेंट, शर्म नहीं आ रही इन लोगों को, मतलब बिल्कुल भी। पूरा ब्लॉग बीप करते हैं, चुप हो वहाँ। क्या है भाई, क्या है, पूरा वीडियो बीप करते हैं। हेलो गाइस, तुम लोगों के साथ रहूंगा तो ये टू टू बसता रहना है। गाइस कुछ भी बोलो, यहाँ पे धूप इतनी मस्त आ रही है ना, मतलब मन तो कर रहा है यहीं बैठ जाए। yes, guys, क्योंकि अब हमारा रिसेस का ही लेक्चर, अबे पहले कैंटीन चल रहा है, अब धूप कुछ खाने, मतलब धूप ले रहे हैं। तो बोरा नहीं हो रहा है, सॉरी गाइस, धूप ले रहे हैं गाइस। क्या है गाइस, गाइस ये गेज है। हाँ ये गेज है और आप गाइस हो, नहीं है हम आपसे अलग। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, अलग है, यही तो कह रहे हैं, तो है अलग। हम अभी आ चुके हैं कैफेटेरिया, बहुत सोचने के बाद कहाँ है कैंटीन जो हमने सुबह आपको दिखाई है। लेकर कैसे आ रहा है, ये चौमिन, अबे फोकस के नहीं होना, कभी देखी नहीं जैसे। ये है बिहारू, ये चिकन है 1.5 किलो का, 1.5 किलो ज़्यादा बोल गया, 250 ग्राम। तो आज हम खाने के बाद आपसे मिलते हैं, बाय 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 बाय। ले इसे जा और कोने में बैठ जा, वहां जाके खा ले जा।
अरे जा खा ले वहां पे साइड में जा। हम तभी आए थे यहाँ पे वर्ल्ड वार के लिए। अब हम कुछ और खाने जा रहे हैं। वर्ल्ड वार टग ऑफ वार को कह रहा है वर्ल्ड वार के लिए। वाओ कह रहा वर्ल्ड वार। अबे तुम लोग इतने तुम लोग से रस्सी उठेगी भी नहीं, वो इतनी भारी है। गाइस इन लोगों को कुछ काम नहीं है यहाँ पे, ये टग ऑफ वार खेल रहे हैं। ओ भाई बिहारी को क्या चलेगा। ओ भाई परछाई दिख रही है, परछाई देखो तुम आप लोग। सो गाइस ही इज अंशुल, ही इज अंशुल। ओए गिर गई नीचे। छी भाई कोल्ड ड्रिंक उड़ा रहे हो। ये है हमारी क्लास की सीआर। हेलो करो, हेलो करो, हाय तो करो, हाथ तो मिलाओ। हेलो हाँ, ये कैप्चर किया। हाँ सब कुछ कैप्चर किया हमने। ये देखो इतना बदतमीज है, लोगों के मुंह पे बोतलें फेंक रहा है। हॉस्टल का खाना खिलाते हो तो कौन सा हॉस्टल है ये? आर्यन यम्मी टेस्ट, यम्मी टेस्ट। वाओ गाइस, ये लड़की बहुत अपनी दोस्त को याद कर रही है, अंजलि को, है ना बेचारी। उसकी याद में पेप्सी पी रही है, नए जूते भी लाई आज। ये मैं अपनी दोस्त अभिषेक अंजलि मैनी को याद कर रही हूं। अंजलि मैनी तो ये हमें जगह मिली है, अब यहाँ बैठेंगे हम। क्या कर रही है? आज ही मैडम ने हमारे को एनवायरमेंटल स्टडीज में बताया था कि प्लास्टिक को ऐसे वैसे ना फेंके, और ये दोनों मिलकर ये दोनों यहाँ पे गंदगी फैला रहे हैं, थम्स अप फेंक रहे हैं। इनको शर्म नहीं है बदतमीज से। जी भाई हमारा मैथ का एग्जाम था, एग्जाम था हमारा मैथ का एग्जाम था। एग्जाम था। हाँ तो क्या किया कनिष्क ने? मैथ का एग्जाम था, ठीक है। तो इसे अभिषेक ने बोला कि रैंक था, रैंक पढ़ लियो, ठीक है। ये एक हफ्ते से रैंक पढ़ रहा था, और मैथ के एग्जाम में जब क्वेश्चन आया रैंक का, तो वो वही छोड़ के आ गया। 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, 10 नंबर का क्वेश्चन वही छोड़ कर आ गया। कुछ खाने को देते हैं। अच्छा देखना अंजलि मैनी, अंजलि मैनी तू भी तो बोल रहा था उस दिन कैलकुलेटर। बोल तेरे से तो मंचूरियन नहीं बोला जाता, ज्यादा कैसे बोल रहा है? मेरे भाई को फालतू मैंने बोल रहा है। एग्जाम हाँ कह रहा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कह रहा। यार तुम गाय बैठ गए तो कुछ ना कुछ बोलते तो सही। खेती बाड़ी चलते हैं पता, उधर चार लोग दिख रहे थे ना, तो उन्हें देख के बात। गर्दन टूट गया मेरा, यार गर्दन टूट गया, टूट गया। अरे मुझे गिरा रहा था। अबे लग रहा है तू तू अबे मत कर चले आ रहा है। हेलो गाइस, यहां पे आपके ब्लॉगर साहब सुनते आए थे यार। समझ इतने चाटे मारूंगा ना अगर ये छोड़ा नहीं तो 2 मिनट में। यहाँ लिटा दो उसको, यहाँ बाथरूम के अंदर लिटा दो। यहाँ भी शुरू हो गए भाई, कंट्रोल करो भाई। तो भाई जब हम घर जा रहे हैं, मतलब 5-10 मिनट में करने नहीं दे रहे, देख लो आउटरो नहीं देने दे रहे हैं। कह रहे भाई को भाई बड़े ब्लैकमेल कर रहे हो तुम। हाँ तो गाइस हम घर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं, बाय। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं कॉलेज के ऐसे बाहर, और ये हमारी इको यहीं खड़ी रहती है, और इसमें हम बैठ के चले जाते हैं। तो बस हमने यहाँ इको में अपने बैग वगैरह रख दिए हैं, और इसमें हम घर जाएंगे।